नमस्कार साथियों, मैं हूं नारायण पटेल आपके अपने चैनल पे। आज हम यहां पर बात करेंगे राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा 2023 और 24 के लिए, जिसके फॉर्म अगले महीने निकलने वाले हैं। ये कक्षा 8 में अध्ययनरत विद्यार्थियों को ₹1,000 प्रतिमाह दिया जाता है। 4 साल तक ₹48,000 मिलता है, जिसके अंतर्गत मैंने इस बार पूरी तैयारी कराऊंगा, जिसमें 2 पेपर होते हैं, एक सेट दूसरा मैट। जो मैट का पेपर होता है वो मेंटल एबिलिटी टेस्ट का होता है। इसकी वीडियो बहुत कम पड़े तो मैंने सोचा इसी पर मैं एक टॉपिक आपको लूँ और समझाऊँ। इसके बाद जो मैंने पहला वीडियो बनाया इसका वॉल्यूम 1, उसमें हमने बताया था विजाति या वर्गीकरण छांटना, मतलब 4 या 5 आपको दिए रहेंगे विकल्प, जिनमें से उनमें 3 में कोई समानता होगी और 4था अलग होगा, या 5 दिए होंगे, 4 एक समान होंगे और एक अलग होगा। उसी में कई प्रकार के प्रश्न आते हैं, उसी का एक प्रकार कल मैंने शाब्दिक वाला बताया था और आज जो है मैं अशाब्दिक लेकर के आया हूँ, जिनमें आपको बताना है कि इनमें से अलग कौन है। हालांकि प्रश्न बहुत सरल होते हैं, 10 प्रश्न आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पर दिया है बुद्धि परीक्षण के विविध स्वरूपों में दी गई समान आकृतियों में से एक असमान आकृति को छाटना भी है। विद्यार्थी को चाहिए कि आकृति को भली बात देख कर असमान आकृति का अक्षरांक लिखें। तो यहाँ पर आपको बताना है इनमें से कौन सा भिन्न है। तो इसमें से अगर आप देख रहे होंगे पहले प्रश्न में, तो ऑप्शन यहाँ से डी आपको सही लगेगा, क्योंकि बाकी सभी 3 आकृतियाँ बंद है लेकिन 4थी वाली आकृति बंद नहीं है। ठीक इसी प्रकार से अगला हम अगर प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न संख्या 2, तो सभी जो भी आपके प्रश्न दिए गए होंगे, ये देखिए इसमें 2 समांतर रेखाएं, यहाँ भी 2 हैं, लेकिन अगली जो है 2 समांतर रेखाएं नहीं जबकि आपस में काट रही है, तो यहाँ से भी ऑप्शन जो है आपका डी वाला बिल्कुल सही होगा। बात करते हैं प्रश्न 3 की। प्रश्न 3 में अगर आप 4 आकृतियों को देखेंगे तो ये देखिए 3 एक प्रकार के आपके पास आयत बन रहे हैं, जबकि 4था ये आयत का निर्माण नहीं कर रहा है। उसके बाद 3 रेखाओं को अतिरिक्त मिलाकर के एक दूसरी आकृति को यहाँ जोड़ दिया गया है। अगर मैं बात करूँ प्रश्न संख्या 5 की, 5 में देखिए सभी जगह 3 लाइन है, 3 लाइनों को एक आड़ी तिरछी लाइन यानी टेढ़ी लाइन उसे काट रही है, लेकिन 4थे वाले में उसे लंबवत काट रही है, इसलिए यहाँ पर 4th का पहला अलग होगा। अगर कोई भी प्रश्न आपको गलत लगे तो कृपया आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर सूचित कीजिएगा। प्रश्न संख्या 5 की बात करें तो 5 में आपको अलग यहाँ से बताना है कि इसमें से कौन सी आकृति ऐसी है जो बिल्कुल अलग है। तो अगर 5 में देखें तो सब में एक त्रिभुज बना है, त्रिभुज में एक कोण को इंडिकेट किया गया है, लेकिन डी वाले में 2 कोणों को इंडिकेट किया गया है, इसलिए यहाँ से डी वाला ऑप्शन बिल्कुल अलग होना चाहिए। बात करता हूँ 6 की, तो 6 में आपको ये बताना है कि कौन सा अलग है। 6 में आप देख रहे होंगे 2 लाइनें हैं, यानी प्लस का आप समझ लीजिए निशान बना, निशान पर 2 वृत्त अगल बगल बने हुए, चाहे आप यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, लेकिन यहाँ पर जो तीसरी आकृति है इसमें देखिए तीर नुमा यह आकृति बन गई है, जबकि सबने प्लस के बाद बना था, इसलिए यहाँ से ऑप्शन सी बिल्कुल अलग होगा। अगर मैं बात करूँ प्रश्न 7 की, तो 7 में देख रहे होंगे वृत्त के किसी किसी भाग को, चाहे ए हो, सी हो या फिर डी हो, किसी वृत्त के हिस्से हैं, जबकि बी वाला जो है किसी भी वृत्त का हिस्सा नहीं है, इसलिए 7वां यहाँ से जो है 7वें का आप जो बी है वो ऑप्शन बिल्कुल अलग कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं 7th के सी में, तो 7th के सी में आपको देखना है कि इसमें कौन सा अलग हो सकता है। तो अलग होने के लिए अगर आप बहुत इसको ध्यान से देखेंगे तो एक चीज़ आपके समझ में आएगी, ये जो आपके तीर हैं ये देखिए नीचे की ओर डाउनवर्ड हैं, लेकिन सी में अपवर्ड की ओर है, मतलब यहाँ पर ये ऊपर की ओर बनाए गए, इसलिए यहाँ से सी वाला बिल्कुल अलग हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न 10वां है, 10वें को आप लोग देख रहे होंगे प्लस निशान बना हुआ है और उसके कर्णवत आपको 2 वृत्त नज़र आ रहे होंगे। यहाँ पर एक कर्णवत नहीं है, यानी एक कर्ण यानी डायगोनली नहीं दिए गए हैं, इसलिए यहाँ से अब आप देख सकते हैं कि यहाँ से आपका जो ऑप्शन बनेगा वो यहाँ से डी अलग हो जाएगा। अगर हम बात करें 11 की, तो 11 में भी अगर आप देख रहे होंगे ए बी
और डी, इनमें चार भाग हैं, चार में एक भाग ब्लैक किया गया है जबकि सी में दो भाग ब्लैक किए गए हैं, इसी के कारण इसे अलग करता है। अगर मैं बात करता हूँ प्रश्न 12 की, तो प्रश्न 12 में अगर आप देखें तो किसी वृत्त के अंदर वृत्त बना, वो त्रिभुज बनाए गए, लेकिन त्रिभुज उसके आपकी ये जो है केंद्र से होकर के जा रहे हैं, जबकि अगर आप सी वाले को देखें तो ये पूरा एक वृत्त के परिधि पर बनाया गया है, इसलिए यहाँ से ये सी वाला बिल्कुल अलग होगा। अगर हम बात करते हैं प्रश्न 13 की, तो 13 को भी अगर आप ध्यान से देखे होंगे और 13 को देखेंगे तो देखे होंगे एक बेलन है, यहाँ भी एक बेलन है, यहाँ भी एक बेलन है, इनमें तीन छल्ले हैं, इसमें तीन है, इसमें तीन, जबकि यहाँ पर दो ही हैं, इसलिए यहाँ पर डी वाला बिल्कुल अलग होगा। बात करता हूँ प्रश्न 14 की, 14 में देख रहे होंगे तीन लाइनों को चौथी लाइन काट रही है, ऐसा ए में हो रहा है, सी में और डी में, लेकिन बी में ऐसा नहीं हो रहा है, बी में तीन लाइनों को नहीं बल्कि दो लाइनों को काटा जा रहा है, इसलिए यहाँ पर ये अलग हो रहा है। अगर मैं बात करता हूँ प्रश्न 15 की, तो 15 में अगर आप देखें एक वृत्त है, वृत्त में एक बिंदु रखा गया है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, कोने में यहाँ पर भी, बट एक जो है सी में एक अतिरिक्त तीर को बढ़ा दिया गया, इसलिए ये भी यहाँ से बिल्कुल अलग करता है। अगर प्रश्न 16 को बहुत आप ध्यान से देखेंगे तो 100% इस प्रश्न को आप जरूर कर पाएंगे, और अगर इसमें थोड़ी सी भी आप कोताही करते हैं तो ये प्रश्न आपसे बनने वाला नहीं है। तो आप यहाँ से देखेंगे तो आप कोई गलती मत करिएगा, आप इसका ऑप्शन ई बिल्कुल चूज मत कीजिएगा, क्योंकि देखिए सभी बंद आकृति हैं, यहाँ पर तीन है, यहाँ पर तीन है, यहाँ पर तीन है, यहाँ पर तीन, जबकि यहाँ पर ये चार हैं। बस यही से ये आंसर आपका डी अलग हो रहा है, वरना अगर आप बनाते तो देखते सभी रेखाओं के द्वारा बन रहा है जबकि रेखाओं के द्वारा नहीं बन रहा है। तो चूंकि एक समानता को देख करके ही आपको अलग करना है। अगर मैं बात करूं प्रश्न 17 के, तो 17 में अगर आप थोड़ा सा 17 को मैं दिखा रहा हूं तो 17 में कौन सा अलग हो सकता है, तो 17 में आप ये देखिए वृत्त सभी में है, लेकिन वृत्त में दोनों कहीं पर काट नहीं रहे हैं, यानी अन्य सभी आकृतियों में दो डिजाइन आपस में स्पर्श कर रही हैं, जबकि इसमें देखिए यहाँ पर दो कर रही, यहाँ पर दो कर रही, यहाँ दो कर रही, यहाँ दो, जबकि यहाँ पर अगर ए में देखो तो तीनों आकृतियों को आपस में स्पर्श करा दिया गया, इसलिए यहाँ से 17 का ए ऑप्शन अलग होगा। बात करते हैं 18 की, 18 में आप देखेंगे तो जो आपका वर्ग है, वर्ग में जो रेखाएं वो कहीं ना कहीं काटती जरूर हैं, और सभी में दो से अधिक रेखाएं जरूर बनी हैं या दो से अधिक। तो अगर आप देखें तो यहाँ पर ई में, यानी 18 के ई में केवल एक ही रेखा बनी हुई है, इनमें काट भी रही, हालांकि ये तुम्हें अलग कर सकता है। डी को भी थोड़ा सा अगर आप देखेंगे रेखाओं के आधार पर इन्हें बनाया गया है, तो इसलिए यहाँ से ऑप्शन ई अलग करता है, यानी चार भागों में बट रही, यानी कोई भी देखे इसमें बांटा गया, इसमें भी देखिए चार भाग बन रहे हैं, यहाँ भी चार भाग, यहाँ भी चार भाग, जबकि यहाँ पर दो ही भाग बन रहे हैं। आप ये भी एक रीजनिंग लगा सकते हैं। अगर बात करता हूँ 19 की, तो 19 में आप देखेंगे कि सभी में जो भी आकृति दी गई है उसमें एक डिज़ाइन जो है बनी है, रंगीन है, दूसरी डिज़ाइन को कोरा छोड़ा गया है, जबकि डी वाली आकृति 19 में दोनों एक जैसी कर दी गई हैं, इसलिए यहाँ से डी वाला अलग होगा। यानी मैं कहना ये चाह रहा हूँ, ऊपर देखिए एक रंगीन, एक सादी रंगीन, सादी रंगीन और सादी रंगीन और सादी, जबकि यहाँ पर दोनों को रंग दिया गया, इसलिए यहाँ सर ये अलग हो जाएगी। अगर मैं बात करता हूँ 20वें प्रश्न की, तो 20वां प्रश्न भी आप जरूर करके जाइएगा। इनमें 20वां क्या है, अन्य सभी आकृतियों में अगर छोटी डिजाइन को बढ़ाया जाए तो बड़ी डिजाइन प्राप्त हो सकती है, लेकिन यहाँ पर आप अगर ये देखें कि बी में ये संभव नहीं हो पा रहा है, इसलिए मतलब हम किसी भी डिजाइन को घटा या बढ़ा नहीं सकते। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। यहाँ पर भी अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो इस रीजनिंग को बहुत आसानी से कर सकते हैं। अगर 21वें को थोड़ा सा ध्यान से देखें तो यहाँ से आप सी को अलग करेंगे कि जो
भी आकृतियाँ दोनों आपस में मिल जरूर रही हैं, लेकिन डी एक ऐसी आकृति जो आपस में मिल नहीं रही है, यही विशेषता के कारण ये अलग हो रही है। बात करता हूँ 22वें की। 22वें में अगर आप देखें तो दोनों में सभी में डिज़ाइनें दो सेम बन रही हैं, जबकि यहाँ पर दोनों डिज़ाइनें सेम न बन करके एक आयत और एक वर्ग में तब्दील हो जा रही, इसीलिए यहाँ से ऑप्शन ई को चूज करना पड़ेगा। अगर मैं बात करता हूँ 23 को, तो 23 में थोड़ा सा आप देखिए और 23 को देखने के बाद आप जरूर इस प्रश्न को कर पाएंगे। अगर 23वें में बहुत ध्यान से आप देखेंगे, बहुत अच्छी रीजनिंग है, आप देखें तो बी एक ऐसी आकृति है जो कि तीन से चार भुजाओं से बनी, लेकिन आपस में कोई भी पोर्शन बंद नहीं हो रहा। इसमें देखिए ये भी पोर्शन बंद हो रहा, ये भी पोर्शन बंद हो रहा, ये भी, और इसका मतलब यही एक विशेषता के कारण यहाँ पर हम बी को अलग कर रहे हैं, चूँकि ये बंद नहीं हो रही है। बात करता हूँ 24, 24 में अगर आप देखें तो यहाँ पर हालांकि दो तीन का मिश्रण है, अब आप थोड़ी सी रीजनिंग जरूर लगाइएगा। यहाँ पर दो तीर हैं, यहाँ पर आपके दो हैं, यहाँ तीन हैं, यहाँ दो हैं, यहाँ दो हैं, यहाँ तीन हैं, लेकिन ये तीर न होकर के वक्राकार बना दिए गए, इसलिए अलग हो रहे हैं। बाकी सब में बिल्कुल सीधे तीर हैं, इसलिए ये इसी विशेषता के कारण यहाँ से ऑप्शन ई सही हो रहा है। अगर मैं बात करता हूँ अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर, तो लास्ट क्वेश्चन में आप देख रहे होंगे 25वें में आप जरूर इसका आंसर लगाइएगा, और अगर इसका आंसर आपको न मिले तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। ये प्रश्न हम आपके लिए होम वर्क के लिए छोड़ते हैं। तो ये दोस्तों कैसे प्रश्न थे, अगर ये प्रश्न पसंद आए हों और वीडियो पर आप पहली बार आए हो तो हमारे वीडियो को आप पहली बार तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पे पहली बार आए तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। इस प्रकार के प्रश्न आपको हम दिन प्रतिदिन मिलते रहेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।